हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है शिशपाल सिंह। मैं आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीम बिग पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि हमारे देश में जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह UPSC का सिविल सर्विस का एग्जाम हो, NDA का हो, CDS का हो, EPFO का हो, या रेलवे के डिफरेंट एग्जाम्स हो, सभी में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोस्तों, वीडियो के एंड में मैंने भी आपसे दो क्वेश्चंस पूछे हैं, जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कौन है ग्रैंड स्लैम विनर्स इन 2021। प्यारे दोस्तों, टेनिस में चार प्रकार के ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, सेकंड होता है फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है विंबलडन और फोर्थ होता है US ओपन। तो आज हम इन्हीं के विनर्स के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट नंबर का है वह है ऑस्ट्रेलिया ओपन। इसको खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे और इसमें जो मेल सिंगल कैटेगरी में जो विनर रहे थे वो थे नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने हराया था डेनिल मेडवेडेव को, जो रशिया के रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन को किस टाइप के ग्राउंड या कोर्ट पे खेला जाता है, तो आपको उसका आंसर देना है हार्ड कोर्ट पे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो विनर रहे थे ऑस्ट्रेलिया ओपन में नोवाक जोकोविक, वो किस देश के रहने वाले हैं, तो आपको बताना है सर्बिया। तो आपको समझना होगा यहाँ पे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो पूछा जाएगा कि भाई कोर्ट किस टाइप का है, या विनर कौन है, या वो किस देश को बिलोंग करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, फीमेल सिंगल कैटेगरी में जो विनर रही थी वो थी नाओमी ओसाका, ये एक जापानी प्लेयर है, और इन्होंने हराया था जेनिफर ब्राटी को, जो अमेरिकन प्लेयर हैं, तो आप इनका नाम याद रख सकते हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये कि जो नाओमी ओसाका है, ये हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट है पूरी दुनिया में, तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों, साल का सेकंड ग्रैंड स्लैम होता है फ्रेंच ओपन। इसको खेला जाता है क्ले कोर्ट पे, मतलब मिट्टी के कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें मेल सिंगल कैटेगरी में विनर रहे थे नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, और इन्होंने हराया था स्टेफनोस सिसिपास को, जो ग्रीस के रहने वाले हैं। अब यहाँ पे एक लिंक क्वेश्चन बनता है कि जो ग्रीस है उसकी राजधानी एथेंस है, जहाँ पे 2004 में ओलंपिक गेम्स हुए थे, तो आपको बताना है कि कौन से ओलंपिक गेम्स दुनिया में पोस्टपोन हुए हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि 2020 के जो ओलंपिक गेम्स थे वो पोस्टपोन हुए हैं। तो यहाँ से एक आपका लिंक क्वेश्चन बन जाता है स्पोर्ट्स में। फिर फीमेल सिंगल कैटेगरी में जो विनर रही थी वो थी बारबोरा रेडसी कोवा, जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं, और इन्होंने हराया था एंटेसिया पोवाइल चेनकोवा को, जो रशिया की रहने वाले हैं, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे दोस्तों, साल का थर्ड ग्रैंड स्लैम होता है विंबलडन। विंबलडन ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। इसमें मेल सिंगल कैटेगरी में विनर रहे हैं नोवाक जोकोविक, इन्होंने हराया मैटियो बरेटी को, जो इटली के रहने वाले हैं। नेक्स्ट फीमेल सिंगल कैटेगरी, इसमें विनर रही हैं एशलेक बार्टी, जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, और इन्होंने हराया कैरोलिना प्लिस्कोवा को, जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि साल के जो तीन ग्रैंड स्लैम होते हैं, उन तीनों में मेल सिंगल कैटेगरी में जो विनर रहे हैं वह नोवाक जोकोविक रहे हैं, और बाकी के जो विनर्स हैं आपको उनके नाम सही से याद करने होंगे, लिंक बनाना होगा। और दोस्तों, आपसे मेरे को तीन क्वेश्चन पूछने थे। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि हाल ही में ऐसा कौन प्लेयर है जिसने रॉजर फेडरर और राफेल नडाल के ग्रैंड स्लैम की बराबरी करी है। सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा ऐसा ग्रैंड स्लैम रहा है जो पोस्टपोन हुआ है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।